अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चिकन कढ़ाई बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी है और आप ये देख सकते हैं, देखने में ही नहीं बल्कि खाने में बहुत टेस्टी है। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए इनबॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इसके लिए हम क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आप टमेटोज ले लीजिए, 4 अदद टमेटोज ले लीजिए आप। अनियन आपने 2 अदद अनियन ले लिया और 1 kg आप चिकन ले लीजिए। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन्स वाला भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ग्रीन चिलीज आप 1 tablespoon ले लीजिए। अनियन एंड टमेटोज, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट 1 tablespoon, ऑयल आप 3 tablespoon ले लीजिए। हाँ, चिकन कढ़ाई मसाला आप ले लीजिए। योगर्ट आपने ले लिया 3 tablespoon। और चलें, सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास मौजूद हैं, आप स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई में आपने ऑयल ले लिया, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी मत रखिएगा, नॉर्मल फ्लेम रखिएगा, थोड़ा हाई की तरफ भी जाइएगा। आपने ऑयल ले लिया, ऑयल सबसे पहले आप पैन में ऐड कर लीजिए। ऑयल को ऐड करने के बाद थोड़ा सा जब गर्म हो जाए फिर आपने इसमें अनियन ऐड कर देना है। अनियन को ऐड करके अनियन को ऐड कर लीजिए और उसको आपने सोटे होने देना है अच्छे से। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखिएगा और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखिएगा, मीडियम फ्लेम रखिएगा ताकि खाना जो भी चीज़ें हैं आपके सही से कुक हो सके। जब ये अच्छे से सोटे हो जाए तो फिर उसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला देना है, उसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि मेरा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो है फ्रीज हुआ हुआ था। चलो, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने इसमें अब चिकन ऐड कर लेना है ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ जब आप चिकन डालेंगे तो उसकी एक तो स्मेल भी अच्छी हो जाती है और वो चिकन के साथ जो है ना कुक हो तो वो चिकन को भी थोड़ा सॉफ्ट करता है और चिकन में जो स्मेल सी आती है वो चिकन की स्मेल भी चली जाती है। चलिए, आप चिकन इसको कुक करेंगे जब तक थोड़ा सा चिकन गल जाते हैं। गल जाने के बाद फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। इसमें आप दही के 2 चम्मच मिला लीजिए, 2 चम्मच दही मिला के आप इसको मिक्स करके कुक होने देते हैं। और आपको पता है दही का भी पानी निकलता है तो वो उस पानी के अंदर जो है चिकन भी जो है ना वो गल जाएगा। और इसमें आपने ग्रीन चिलीज भी मिला दी, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद आप इसमें टमेटोज ऐड कर लीजिए। टमाटर ऐड करने के बाद, अगर आप टमाटर आपके बहुत हार्ड हैं तो उनके छिल ये जो है वो पहले से ही आप उतार दीजिएगा। मेरे थोड़े सॉफ्ट थे इसलिए मैंने उनके साथ ही इनको ऐड कर दिया। अब आपके पास जो स्पाइसेस हैं लाइक कढ़ाई मसाला मैंने शान कर लिया है वो मैंने इसमें ऐड करूँ। इसमें कुछ घर के मसाले भी मैंने ऐड कर दिए थे ताकि और अच्छे से स्पाइसी हो जाए। और अगर आप बहुत कम स्पाइस लेते हैं तो आप मसाला थोड़ा कम इस्तेमाल करें। तो मैंने थोड़ा नॉर्मल इस्तेमाल किया, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि हस्बैंड मुताबिक। ऐड करने के बाद आपने इसको पकने देना है स्टीम पे। स्टीम आप इसको कुक कर दें। आप ये देखिए, टमाटर और दही का भी पानी निकलता है, दही और टमाटर का जो पानी निकलता है उसको गलने दें क्योंकि उसी पानी के अंदर फिर ये अच्छे से गल भी जाएगा और पक भी जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम थोड़ी हाई रखी थी, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखी हुई है। तो ये देखें, बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही यम्मी और कुक बहुत अच्छे से चिकन जो है वो गल चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि अब इसमें आप धनिया डाल दें ऊपर से और गार्लिक जो है वो क्रश करके आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। डालने के बाद ऑलमोस्ट मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रही है। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, हम इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और डिश आउट करने के लिए आप एक बॉल ले लीजिए और बॉल में आप ये चिकन कढ़ाई ट्रांसफ़र कर दी। एंड अब आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी लग रही है।
लग नहीं रही है बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक बता दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।